मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक सवाल पैदा होता है, जब ये कुरान और हदीस में ये मसला बयान हुआ है तो आप क्या पहले आदमी हैं जो ये पेश कर रहे हैं? क्या इससे पहले किसी ने पेश नहीं किया? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। इस्लाम तो 1400 साल पहले आ चुका है ना, तो बजाय अपनी तहकीक लाने के, जो तहकीक 1400 साल से चली आ रही है, जो रिटर्न फॉर्म में आ चुकी है और इस्लामी हुकूमतें उस पर चली हैं, उसको क्यों पेश नहीं करते आप? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जब इस्लामी हुकूमतें दुनिया में गई हैं, आज मुझे बताओ, रिटर्न फॉर्म के बगैर कोई कानून जब तक रिटर्न में ना हो, कोई अदालत चल सकती है? अरे बोलते क्यों नहीं मेरे भाई? देखो मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का कानून है, कोई भी लॉ है, कोई भी जज के पास एक केस गया, जज खुद ही इज्तिहाद कर रहा है बैठ के। एक दो जज चल जाएंगे, पूरा मुल्क इस पे नहीं चलेगा। जज को किताब दी जाती है, लॉ लिखा हुआ है, असेंबली में पास हुआ है, सेनेट में पास होके गया है असेंबली में, ये लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप इसी के पाबंद हैं। क्या ख्याल है, ऐसा ही है कि नहीं? अब जज वो कहे कि मैं अंधी तकलीद नहीं करता, मुझे तो इंसाफ देना है, मुझे लगता है कि ये इस तरह से इंसाफ मिलेगा, इस पे इतना जुर्माना डाला जाए, तो गवर्नमेंट जजों को क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी आप पे हम नहीं छोड़ सकते, ये काम पहले हो चुका है। जब अंग्रेज आया बरतानिया में तो रिटर्न फॉर्म में लॉ देके गया ना, क्या ख्याल है भाई? तो भाई या तो उसको फॉलो करो या इस्लामी लॉ को फॉलो करो। इस्लामी लॉ भी रिटर्न फॉर्म में पहले से मौजूद है, हम कोई अब थोड़ी पैदा हुए हैं। पहले हमारी बनू उमैया की हुकूमत थी, फिर बनू अब्बास की हुकूमत थी, उंदलुस में खिलाफत थी, फिर हमारी हुकूमत थी खिलाफत उस्मानिया, और फिर हिंदुस्तान में हमने 1000 साल हुकूमत की है, तो क्या घास खा रहे थे हम लोग वहां बैठ के? क्या हो गया मेरे भाई? क्या कोई रिटर्न में लॉ था ही नहीं हमारे पास? तो नए नए जो स्कॉलर्स आ रहे हैं वो अक्सर सुना होगा ये फुकहा ने गलत लिखा है, ये फुकहा ने गलत लिखा है। असल में वो पता है क्या कह रहे होते हैं, ये जो इस्लामी लॉ रिटर्न फॉर्म में आ रहा है ना सदियों से, ये गलत है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। तो वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होता, इनको अपनी एक नई राय मार्केट में लानी होती है। मैं एक मिसाल दे के आगे चलता हूं। देखो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 3 आयतें एक ही मकाम पर फरमाई, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ کافر ہیں۔ دوسری آیت اسی رکوع میں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ فاسق ہیں۔ تیسری آیت اسی رکوع میں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करता यही लोग क्या हैं? जालिम हैं। अल्लाह ने जालिम भी कहा, फासिक भी कहा, काफिर भी कहा। अब मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी अदालतें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करती हैं, तो अंग्रेजों के लॉ को चलती हैं, लिहाजा ये सब क्या है? काफिर है ना, कुरान फतवा दे रहा है, फौलाएगा हुमुल काफिरून। थोड़े बहुत मुसलमान जन्नत में जा रहे थे, वो भी कहां चले गए? अच्छा, फिर जो काफिर को काफिर ना माने वो भी क्या होता है? काफिर होता है ना। देखो इमाम हनीफा को का कौल है, मशहूर कौल है कि कोई शख्स नबूवत का दावा करे नबी के बाद, कोई उसके पास तहकीक के लिए जाए ना कि ये नबी है या नहीं, तो तहकीक के लिए जाने वाला भी काफिर है। वजह उसकी है कि खत्म नबूवत में शक क्यों हो रहा है उसको? खत्म नबूवत का अकीदा तो तवातुर से साबित है ना। इसी वजह से उलमा का फतवा है कि जो कादियानी को काफिर नहीं समझते वो भी क्या है? हाँ, कोई इस बेस पे ना समझ रहा हो कि उसको कादियानी के अकायद नहीं पता, लेकिन जब अकीदा पता है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद मलऊन को पैगंबर समझते हैं, नबी का जानशीन और वारिस समझते हैं, इसके बाद भी उनको कोई काफिर नहीं कहता, इसका मतलब वो उनके नजरियात से मुत्तफिक हो गया ना। अब ये आयत आजकल के स्कॉलर्स बहुत पढ़ रहे हैं, मार्केट में आ रही है ना हर चीज, के जो इन ये जजेज हैं हमारे, जो हमारे हुक्मरान हैं, ये कुरान और सुन्नत पे फैसला नहीं करते और वाकई नहीं करते, इसमें कि दो राय हो नहीं सकती हैं, लिहाजा ये सब क्या हैं? काफिर हैं। और जो मौलवी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते वो भी क्या हैं? जो इनको मुसलमान समझते हैं वो भी क्या हैं? लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, वो भी क्या हैं? काफिर हैं। अब उलमा इसका क्या जवाब देते हैं? भाई ये आयत आज नाजिल नहीं हुई है,
یہ جب نبی کے دور میں نازل ہوئی تھی اس وقت کیا تشریح کی گئی تھی اس کی؟ صحابہ، تابعین، ائمہ اربع اور جو اسلامی لا مرتب ہوا ہے اس میں اس کی کیا تشریح تھی؟ اس میں اس کی تشریح یہ تھی کہ جو شخص اللہ رسول کے خلاف قانون کو برحق سمجھتا ہے، تحکیم کا معنی عقیدہ اس کا یہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا قانون غلط ہے اور انگریز کا قانون صحیح ہے، وہ کافر ہے. جو عقیدے میں نہ سمجھتا ہو، عملی طور پر فیصلہ کرتا ہو خدا کے قانون کے خلاف، تو یہ عملی خرابی ہے، یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے، وہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. اب جج جو عدالتوں میں قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، اگر جج کا یہ عقیدہ ہے اور جج کو پتہ بھی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا یہ غلط چیز ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حکومت کے قانون کا پابند ہوں، تو وہ کافر نہیں ہو سکتا. وہ کیونکہ قرآن میں، حدیثوں میں یہ مضمون بہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہگار کو بھی مجازن کافر کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو معاہدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس میں سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. تو مسلمان تو کتنے معاہدہ توڑ رہے ہیں، جس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی، کافر ہو گئے نا. پہلے ہی جنت میں شارٹیج چل رہی ہے جانے والوں کی، جو تھوڑے سے بچے تھے وہ بھی کیا کر دیا آپ نے؟ اسلام سے خارج کر دیے. لیکن جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہو، اسلامی قانون پڑھا ہو، پراپر وے میں حدیثیں پڑھی ہوں، تو اس پہ فقہا ڈسکشن کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کفر کا لفظ دو قسم کے کفر میں استعمال ہوا ہے، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر. جیسے شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر، شرک اصغر. ریا کرنا بھی شرک ہے، آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، یہ بھی شرک ہے. لیکن یہ وہ والا شرک نہیں ہے جس سے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے، آپ ہمیشہ جہنم میں جلو، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر، جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. تو کیا مطلب پھر؟ تو جو ایک نماز چھوڑے گا جب وہ کافر ہوا، تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مسلمان اور غیر مسلم کا تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. نبی نے فرمایا، جو شخص پیٹ بھر کے کھائے، پڑوسی بھوکا سوئے، وہ مومن نہیں ہے. اور تین دفعہ فرمایا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. جب مومن نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولو میرے بھائی. جب مومن نہیں ہے، نبی نے تین دفعہ کہہ دیا، جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے، پڑوسی بھوکا سوتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تو کیا ہے پھر؟ وہ کافر ہے نا. تو اس کا مطلب سارے کیا ہو گئے؟ تو علماء نے اس کی ایکسپلین کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے بعد آپس میں کفر مت کرنا، لڑنا مت. کیا مطلب؟ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، کافر مت بن جانا کہ گردنیں مارنے لگو ایک دوسرے کی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ. دونوں جماعتیں لڑ کے ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں اور قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جو کافر کا لفظ آیا ہے وہ کفر دون کفرین ہے، چھوٹا کافر. وہ کافر جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ والا کافر یہاں مراد نہیں ہے. تو پراپر وے میں جب علم حاصل ہوتا ہے تو کفر کے فتوے احتیاط سے لگتے ہیں. ایک اسکالر تقریر کر رہے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن پہ فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. اور کہہ رہے تھے کہ مولویوں سے فتویٰ مت لو، جب قرآن کہہ رہے کہ وہ کافر ہے تو مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جنہوں نے مجھ سے یہ کہا نا، یہ اسکالر کا کال پیش کیا اور وہ بھی اس پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ سارے کافر ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ، قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ، وہ پٹھان تھے اور وزیرستان کے، میں نے کہا قبائلی علاقوں میں جب آپ لوگ کے جھگڑے ہوتے ہیں تو جو جرگہ سے فیصلہ کرواتے ہو، کیا وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ کبھی شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور کبھی شریعت کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو کیا وہ سردار کافر ہو گئے ہیں؟ سعودی عرب کی عدالتوں میں کیا ہر فیصلہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ ہر فیصلہ کیا شریعت کے مطابق ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں کون سی عدالت ایسی بچی ہے جو کہے کہ 100% ہم شریعت کو فالو کر رہے ہیں؟ سوائے افغانستان میں شاید ہوگا، باقی تو کہیں بھی نہیں ہے. تو بچا کیا آپ کے پاس میرے بھائی؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک پراپر وے میں علم حاصل نہ ہو، نہ آپ کو قرآن کی تفسیر کی اجازت ہے اور نہ آپ کو حدیث کو ایکسپلین کرنے کی
इजाजत है। आप मार खाओगे, गुमराह होगे, दूसरों को भी गुमराह करोगे, जल्लू व जल्लू का मिजदाक बनोगे। और फिर ये लोग कहते हैं मौलवियों के चक्रों में मत पड़ो। बार बार मैं कहता हूं, ये मौलवियों के चक्रों से निकालने का मकसद है अपनी मुकल्लिद बनाना। ये जो बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, उलमा से उलमा से उलमा, शख्सियत परस्ती की दावत नहीं देते। किसी आलिम से मसला पूछोगे वो बताएगा, दूसरे से पूछोगे वो भी वही बता रहा होगा, तीसरे से पूछोगे मेजॉरिटी वो भी वही बता रही होगी। वजह क्या, वो किताबों में देखते हैं, वो किताबें जो सदियों से चली आ रही हैं। तो जल्दी जल्दी मैं स्पीड बढ़ा के कोशिश कर रहा हूं कि बात को बहुत स्पीड के साथ खत्म करूं। तो अब एक बात खूब अच्छी तरह समझो कि ये जो फिका मुरतब हुआ इस्लामी कानून, जो उलमा मुहद्दिसीन फुकहा ने मुरतब किया, ये इस्लामी कानून का हिस्सा बना है, इस्लामी अदालतों में हमेशा से राइज रहा है, इसमें एक एक जुजिया मौजूद है। हमारे सामने एक दफा मसला आया, मसला किसी गांव में शख्स ने पूछा, उसने ये पूछा कि मेरा पहाड़ जिस पे मैंने फसलें उगाई हुई थीं, वो सिरक के किसी दूसरे की जमीन में चला गया है। और दूसरा दावा कर रहा है चूंकि ये पहाड़ पूरा मेरे जमीन पे आ गया है, लिहाजा ये किसका है? मेरा है। अब आपने कभी ऐसा मसला सुना? कभी हम तो हैरान हो गए, भाई सच झूठ बोल रहा है, क्या कर रही है? ऐसा भी होता है कि पहाड़ इधर से उधर चले हैं। अब वो पहाड़ वापस तो अपनी जमीन पे, जलजला आया होगा या कुछ हुआ होगा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता पहाड़ ले जाए। अब आप कहां से जवाब तलाश करेंगे इसका? अगर इसको मिट्टी पे कयास करते हैं तो आपकी मिट्टी उड़ के दूसरे की जमीन में चली जाए तो वह किसकी है? वो दूसरे की है ना। कभी ऐसा देखा आंधी आई हो और आपकी इतने किलो मिट्टी उठ के वहां चली गई, आपको 2 किलो मिट्टी तुम्हारे पास आई है वापस करो, वो कहेगा ये कुछ मेरी जमीन है तो मिट्टी किसकी है? जहां से भी उड़ के आई हो मेरी है, तो पहाड़ भी तो मिट्टी का ही था वो। लेकिन आप हैरान हो, हमने जब किताबों में तलाश किया, सदियों पुरानी किताबों में, ये जुजिया भी हमें किताबों में मिल गया, क्योंकि ये पहले हुआ है अदालतों में, ये केस इस्लामी अदालतों में आया केस, और उस वक्त के उलमा मुफ्तियाने किराम ने तहकीक करके जवाब लिखा है। अब जिसने पढ़ा हुआ होगा वो जवाब देगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो फेंकेगा बैठ के, वो नई तहकीक मार्केट में लेकर आएगा, जो तहकीक पहले हो चुकी है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अरबी अदब पढ़ा जाता है, फिर फिका की किताबें पढ़ी जाती हैं, वो किताबें जो 800 से 1200 साल पहले लिखी गई हैं, वुजू के अहकाम, जकात के अहकाम, रोजे के अहकाम, विरासत के अहकाम, निकाह के अहकाम, तलाक के अहकाम, आज की नहीं, कब लिखी गई हैं? 1200 साल पहले, बल्कि 1300 साल पहले। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द ने जो किताबें लिखी है ना, आज से तकरीबन 1250 जो इस्लामी कानून उन्होंने मुरतब किया था। और कमाल की बात है, वो किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई गई हैं, इस्लामी कानून को समझने के लिए, अदालती कानून को समझने के लिए, जिसके खिलाफ आजकल के स्कॉलर्स बहुत बोल रहे हैं। फिर बुखारी पढ़ाई जाती है, मुस्लिम पढ़ाई जाती है, असमाउर रिजा, फिर जब हदीस पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले उसूल हदीस, कि हदीस सही किसे कहते हैं, ज़ईफ किसे कहते हैं, हसन क्या होती है, हसन लियाइनी क्या होती है, हसन लियाइनी क्या होती है, सही लियाइनी क्या होती है, सही लियाइनी क्या होती है, ये सब पढ़ाया जाता है। असमाउर रिजाल क्या होता है, किस रावी का क्या मकाम है। आपको बहुत से ऐसे रावी मिलेंगे, बाज लोगों ने कहा ये कज़ाब थे, दज्जाल थे, लेकिन मुहद्दिसीन ने कहा इनकी जरह का एतबार नहीं है। लेकिन जब कोई यूट्यूबी स्कॉलर होगा ना, वो आके कह देगा फलाने इसको ज़ईफ़ कहा है, बस आप मान लोगे, आपके पास इसके अलावा और कोई दलील ही नहीं है, क्योंकि आप खुद इस फील्ड के माहिर नहीं हो। लेकिन जो उसूल हदीस को जानता होगा, उसे पता होगा कि भाई ये कौल मोतबर नहीं है, किसी का इस रावी को सिका कह देने का कोई एतबार नहीं है, किसी का इसको ज़ईफ़ कह देने का कोई एतबार नहीं है, मुरसल हदीस हुज्जत होती है कि नहीं होती। आज इतने बड़े बड़े फेंकू हैं, एक हदीस है मुरसल है, एक साहब ने कहा मुरसल हदीस बिल इतफाक ज़ईफ़ होती है। मुरसल कहते हैं कि ताबिई डायरेक्ट नबी से बयान कर दे, साहबी का वास्ता हजफ कर दे, कई इस बिल इतफाक लोग कह रहे हैं ज़ईफ़ हदीस है, कुछ भी पता नहीं है, ना अलिफ का, ना बा का, ना ता का, फेंकते रहो बैठ के YouTube की दुनिया में, फेंकते रहो और लोग बैठे हुए लपेटने के लिए। समझते हो बात को कि नहीं समझते हो?